नमस्कार दोस्तों, मालतीस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन पापड़ी। तो बेसन पापड़ी में किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो चलो देखते हैं। 400 ग्राम बेसन लिया है, एक चम्मच अजवाइन है, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, दो चम्मच घी है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पहले हम बेसन को गूंद लेते हैं अच्छे से, इसमें बेसन डाल देते हैं। अजवाइन इसको भी क्रश करके डाल देते हैं। घी इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं, नमक भी डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंदेंगे। अब बेसन हमारा गूंद के रेडी है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। दस मिनट पूरे हो चुके हैं, हमारा बेसन अब सॉफ्ट हो गया है। हमने इतना बड़ा लोई लिया है, अभी इसको गोल आकार में बना लेंगे। हम एक गिलास ले लिया है, इसको आटा में लगा के और काट लेते हैं। अब इसको ऐसे काटेंगे, या तो कोई कटर ले सकते हैं या कटोरी ले सकते हैं। देखिए इस तरह हमने बना लिया है। अब इसको तेल में तल लेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे बेसन पापड़ी। अभी ये पक चुके हैं, अभी इसको निकाल लेते हैं दलिया में। हमारे बेसन पापड़ी बनके तैयार है। तो हमारे बेसन पापड़ी बनके रेडी है, बहुत क्रंची है। इसे आप भी बनाइए और खाइए। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी,
यदि हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।